इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बेलगाम शहर की अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले कोरोना पर खबर। बेलगाम सेहत महकमा की जानिब से शाया बुलेटिन के जरिए 15,426 लोगों का टेस्ट मुकम्मल हुआ है, जिसमें 13,207 लोगों का नेगेटिव पाया गया। बेलगाम जिला पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब तक 298 है। कल एक और पॉजिटिव मरीज तुरमुरी गांव का पाया गया है। यह 32 साल बंबई रिटर्न शख्स का स्वैब टेस्टिंग के बाद पता चला कि यह पॉजिटिव है, जिस पर इलाज जारी है। कल 6 अपराधों को डिस्चार्ज किया गया। बेलगाम शहर में कुल 5 कैंटोनमेंट जोन बनाए गए थे, जिसमें से सदाशिव नगर कैंटोनमेंट को रद्द कर दिया गया। तकरीबन 1 महीने के बाद कैंटोनमेंट जोन को रद्द करने से आवाम में इत्मीनान की सांस ली है। जिस खातून की वजह से कैंटोनमेंट जोन बनाया गया था, इन्हें अब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया, लिहाजा खातून को कोविड-19 जेर इलाज रखने की वजह कैंटोनमेंट जोन को रद्द कर दिया गया। पहले पॉजिटिव मरीज मिलने से 3 किलोमीटर तक का यह था कैंटोनमेंट जोन करार दिया जाता था, पर अब नए उसूलों के मुताबिक सिर्फ 100 मीटर ही कैंटोनमेंट का दायरा रहेगा। दिगर कैंटोनमेंट इलाकों में नेहरू नगर, मार्कंडे नगर, कुंती नगर और वड़गांव भी शामिल है। जैसे ही कोरोना मरीजों का टेस्ट नेगेटिव पाया जाएगा, यह भी कंटोनमेंट जोन हटा दिया जाएगा, ऐसा DC बेलगाम ने बताया है। बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म होता जा रहा है। पहले से परेशान ताजीर इस अफवाह से और भी मायूस होते दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा खौफजदा कारोबारी जो अभी भी लॉकडाउन की मार सह कर संभलने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो इन्हें अफवाहों से डर लग रहा है। इत्तेहाद न्यूज से राब्ता कर क्या फिर से लॉकडाउन होगा क्या, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। ये अफवाह सिर्फ बेलगाम में ही नहीं बल्कि अतराफ के गांव में भी फैली हुई है, पर हुकूमत की जानिब से किसी तरह का फिर से लॉकडाउन नहीं होगा ऐसा बताया गया है। वजीर रियासत डॉक्टर सुधाकर ने गुलबर्गा जिम्स अस्पताल के इजलास में मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब किसी तरह का लॉकडाउन कर्नाटक में नहीं होगा। खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही है और किसी चैनल की तस्वीर लगाकर बतौर खबर पेश किया जा रहा है, जिससे लोगों में एक तरह की हलचल देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से भी बेलगाम शहर में 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन होने की अफवाह कुछ अनासिरों की जानिब से फैलाई गई थी, जो सरासर गलत है। जब 2 महीने के लॉकडाउन से ही पूरे मुल्क की मईशत चरमरा के गिरी हुई है, फिर से किसी लॉकडाउन का ऐलान मुमकिन नहीं है। फिर पॉजिटिव मरीजों की तादाद कितनी ही बढ़ जाए, अभी भी आवाम यह सोचने पर मजबूर है कि जब 600 मरीज थे तब लॉकडाउन का फैसला लिया गया और अब लाखों मरीज पाए जा रहे हैं, फिर अनलॉक क्यों किया गया? क्या लॉकडाउन का फैसला गलत था या अनलॉक का फैसला? इस पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सभी को इस बात का ताज्जुब है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की। इस पर जोरदार बहस, मुबासा और चर्चा भी जारी है। अक्सर अमीर लोगों की मौत के चर्चे ही हुआ करते हैं। सिर्फ मौत पर ही चर्चा नहीं होती बल्कि इनके नाज नखरों पर भी चर्चा हुआ करती है, पर हमारा मौजू सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, पर मौजूद खुदकशी है। बेलगाम जिला में पिछले 45 दिनों में 45 से भी ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। वैसे खुदकुशी हराम है, पर यह सच्चाई है कि किसानों ने, स्कूली तलबाओं ने और कुछ लोग बीमारी से भी और सबसे अहम गरीबी की वजह से अपनी जिंदगी को अलविदा कहने वालों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, जो यकीनन लम्हा फिक्र है। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद अक्सर लोगों की मुलाजमत चली गई, कारोबार ठप हो गया, जेब खाली है, तो मायूसी अपने आप आती है, लिहाजा ऐसे वक्त में मौत को गले लगाने तक इंतहाई फैसला कुछ लोगों की जानिब से लिया जाता है। बेलगाम जिले में दिन को एक फर्द की खुदकुशी बहुत कुछ बयान करती है, जिस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। लॉकडाउन ने कई घर तबाह किए हैं, नौकरी न होने से कर्जदार होना और फिर बीमारी से अस्पताल का बिल तक न चुकाना, यानी कि उनके पास पैसे भी ना होना, बच्चों पर अपना गुस्सा बेवजह निकालना, मियां बीवी के झगड़े और इन्हीं की वजह से जहन मुंतशिर हो जाता है और आखिर फैसला खुदकुशी का करने पर मजबूर हो जाते हैं। अक्सर लोगों को बेफायदा मसाइल में उलझने की आदत होती है। बेहतर है कि हम अपने अतराफ में कोई जहनी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है, इस पर गौर करते रहे, वरना हम सुशांत सिंह की खुदकुशी पर तो तबसरा करते नहीं थकते, पर अपने अतराफ में परेशान शख्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे अपनों को भी हम खो देने का
अंदेशा बढ़ जाता है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग करे या ना करे, पर इबादत गाहों में सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम बड़े ही नज्म जब्त से करने की कसम शायद इबादत गाहों के जिम्मेदारों ने खाई है, जिसका नजारा हमने आपने देखा है। भले भगवान नाराज हो जाए पर हुकूमत का हुक्म सराकों पर, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हुकूमत के कायद ही सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक किसी भी कोरोना महामारी से बचने की हिदायत पर अमल नहीं कर रहे हैं। कल एक बार फिर जिला वजीर रमेश जारकीहोली से मुलाकात करने नव मुंतखब राज्यसभा रुकन रन्ना कडाड़ी गोकाक के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आया और ना ही मास्क की याद किसी को आई हो। हाल ही में राज्यसभा रुकन के तौर पर रन्ना कडाड़ी बिन विरोध जीत हासिल की, जिस जीत के मद्देनजर वजीर रमेश जारकीहोली से मुलाकात करने पहुंचे। यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। अक्सर यह भी देखा जा रहा है कि कायी टीवी या बयानात में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सफाई का जिक्र बड़े ही जोश जज्बे से करते दिखाई देते हैं, पर जब कोरोना बीमारी की संजीदगी उस वक्त नजर नहीं आती जब इन्हीं के कारकुनान इन पर फूल मालाएं चढ़ाते रहते। इससे पहले भी कई मरकजी लीडरान ने कोरोना को नजरअंदाज कर और अपने ही लीडरान की हिदायत को पसे पुश्त डालकर भीड़ भाड़ में बेझिझक इजलास करते रहते हैं। और खास बात यह भी है कि इन लीडरान पर कोई मुकदमे दायर नहीं होते, पर विनोद द्वाजे से पत्रकार इनसे सवालात करते हैं तो इन्हें किसी इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। कुछ भी हो पर इबादत गाहों में इस पर अमल 100% किया जा रहा है और यह एक अच्छी ही बात कह सकते हैं। पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने आज अचानक गैस की पाइप से रिसाव होने से लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। गैस का रिसाव शुरू होने से कुछ देर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हासिल इत्तला के मुताबिक पुलिस कमिश्नर दफ्तर के सामने तकरीबन 3:30 बजे जेर जमीन गैस पाइप से रिसाव शुरू हुआ। पाइप से धुआं निकलते देख लोगों में खौफतारी हुआ और कुछ देर के लिए सवारियों की आमद और रफत को रोक दिया गया। खासकर इस सड़क पर अक्सर सवारियों की भीड़ रहती है। अचानक हुए इस हादसे के बाद दोनों तरफ की सवारियों को रोक कर पाइप की मरम्मत की गई। मरम्मत के बाद आवाम ने इत्मीनान का इजहार किया। इससे पहले भी इस तरह की वारदातें पेश आई है, लिहाजा गैस पाइप के ठेकेदारों को संजीदगी से तवज्जो देनी होगी, ऐसा आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। एपीएमसी इंतखाबात में बिना किसी मुकाबले के कांग्रेस पार्टी के युवराज कदम और बतौर सदर बिन विरोध मुंतखब किए गए। नायब सदर के तौर पर मोहतरमा महादेवी खनगौड़र को जीत हासिल हुई। भाजपा की जानिब से रेणुका पाटिल मैदान में थी। बरोज पीर 12 बजे दीगर उम्मीदवारों ने अपनी अर्जियां वापिस ली, जिससे दोनों यानी युवराज कदम और महादेवी खानगौड़र सदर नायब सदर मुंतखब किए गए। वाज रहे कि युवराज कदम इससे पहले बुढ़ा सदारत के ओहदे पर फाइज हो चुके थे। जीत हासिल होने के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा समिति और कांग्रेस की वजह से जीत हासिल हुई है और तरक्याती कामों को अंजाम देना यही मेरा मकसद है। तमाम इंतखाबी मामलात को कांग्रेस कायद जनाब सतीश जारकीहोली ने अपने जेर निगरानी अंजाम दिया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।